हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स। एक यहाँ है और एक यहाँ है। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स वन एंड ए। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल length 14 mm and the diameter of the capsule 5 mm. Find its surface area. Given है आपको length of the capsule 14 mm, diameter of the capsule 5 mm, radius half of diameter 5/2 mm. Radius हमको find out करना है surface area. To find surface area के लिए हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यहां से यहां तक हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यहां से यहां तक हमने इसको कैसे निकाला, 14 mm एंटायर लेंथ माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिस एंड दिस 5/2 and 5/2 रेडियस, यहां से यहां भी 5/2, यहां भी 5/2, दोनों को ऐड करके इसमें से 14 mm में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 mm आ गया। इसके बाद सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये, प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, एक यहाँ है हेमिस्फीयर, एक यहाँ है हेमिस्फीयर। इसके बाद सी सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, 2πRH सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 ऑफ 2πR², टू हेमिस्फीयर्स है, एक ये एक ये, इसलिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2πRH प्लस 2 × 4πR², दोनों में से कॉमन, यहाँ भी 2πR, यहाँ भी 2πR, मैंने कॉमन लिया। रेडियस हेमिस्फीयर एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन हैव सेम रेडियस, 2πR यहाँ पर एच रह गया, यहाँ से 2R, 2 × 22/7, पाई को यूज किया है, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 रेडियस, 9 सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है, प्लस 2 × 5/2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आ गया 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहां पे आया था 14, 9 and 5 = 14, 7 × 7 = 14। अब क्या किया, 5 × 10 यहाँ पे लिखा, 22 ऑलरेडी था, 22 × 10 = 220 cm², ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।